हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 10 स्टार मीडिया। दोस्तों, यकीनन आपने आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर देख ही लिया होगा, जिसको रिलीज हुए अभी तक 13 घंटे हो चुके हैं और इस ट्रेलर ने अब तक 14 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं और साथ में इसने तकरीबन 5 लाख लाइक्स भी हासिल कर लिए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो आज हम आपको ट्रेलर का ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, तकरीबन 4 हफ्ते पहले आदिपुरुष का एक फर्स्ट ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसके अब तक 70 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ था, तब आदिपुरुष को लोगों की तरफ से काफी हेट मिला था और इसके बाद जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो इसको भी लोगों की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले थे। और अगर हम अपनी बात करें तो हमें ट्रेलर भी पसंद नहीं आया था, लेकिन अब जब फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है तो इस ट्रेलर में काफी बेहतरीन काम किया गया है बनिस्बत पहले ट्रेलर के। और सबसे ज्यादा इस ट्रेलर में VFX को भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन नेगेटिव बात यह है कि इस ट्रेलर में भी सैफ अली खान के मेन लुक को नहीं दिखाया गया और इस ट्रेलर में फिर से सैफ अली खान के लुक को छुपाया गया है। अब पता नहीं कि सैफ अली का लुक वही टीजर वाला होगा या फिर उस लुक को चेंज किया गया है, ये तो अब जब मूवी आएगी तब भी पता चलेगा। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। दूसरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।